हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट हो गया है, सुबह सुबह टाइम हो गया 10:30। ऑलरेडी नहा चुकी हूँ, शावर भी हो चुका है, हेयर वॉश किया आज मैंने, तो आज पता नहीं शूट कर पाऊँगी या नहीं, बट मेरे को व्लॉग स्टार्ट करना था क्योंकि दिन भर में कोई कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है कि शूट करना ही पड़ जाता है ना, तो मोबाइल हाथ में उठाना ही पड़ जाता है आपको। तो आज लंच में बनाऊँगी सिंपल से दाल राइस, है ना। व्लॉग स्टार्ट हो ही गया है मेरा, और आज इतने काम हो गए थे ना, इतने काम हो गए सुबह सुबह, बट फटाफट करके हम लोग नहा भी ली हूँ मैं, और बच्चे भी नहा लिए दोनों ऑलरेडी, तो बस यश भी नहा के रेडी और नोनू भी। और हाँ, आज है नोनू का वैक्सीनेशन, शाम को उसको लेके जाना मेरे को डॉक्टर के पास में, उसके अपॉइंटमेंट ली है मैंने। तो आज उसकी तबीयत एकदम ठीक चल रही है 2-3 दिन से, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि ले आओ, तो बस। और इन दोनों बच्चों को ना मैं एक ही डॉक्टर के पास ही लेके जा रही हूँ, डॉक्टर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो नोनू तो हुआ है तब से 2 साल हो गए उसको, 2-2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट, उसी के पास ही है, वहीं लेके जाती हूँ, और यशु को भी वहीं लेके जाती हूँ दोनों को। तो इनका इसका वैक्सीनेशन भी करा दूँगी आज, तो देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं, है ना। तो व्लॉग स्टार्ट हो गया मेरा। और सो गाइस, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। सो देखते हैं आज क्या रहता है, कैसा क्या शेड्यूल रहता है, तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, है ना। तो बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ। शाम टाइम हो गया 6, अभी मैं जा रही हूँ नोनू को लेके, वैक्सीनेशन है उसका। तो आज दिन में मैंने कुछ शूट नहीं किया, सोई हूँ आज, इतनी सोई हूँ ना मैं, बस कई दिन की नींद इकट्ठी हो रही थी, तो रात को नींद नहीं हो पाती क्योंकि लेट सोना होता है, और फिर बस यही सब चलता रहता है। तो मैं हो गई रेडी एकदम, कुर्ती पहनी है प्लाजो पे, और नोनू भी रेडी कर दिया, बस निकल रहे क्योंकि हो रही हूँ लेट, और चाय पी ली थी उठ के, तो बस आज दर्द होएगा मेरे कुका के भी, बट ये वाले नॉर्मल है, एक बारी लगेगा तभी पेन होएगा, उसके बाद में फिर फीवर वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो बस जा रही हूँ लगवाने। हवा तो कितनी तेज चल रही है ना, चलो आज दोनों का क्या लगेगा, घड़ी देखिए इसकी, इधर उतर ना यहाँ से। ओए किसका ये? नहीं आ रही आवाज, चलो ठीक है चाची, चले जाके गाड़ी लेके इसको छोड़ जाइए। चश्मे के चक्कर में गाड़ी में ब्रेक लग गया रे बाबा। ताते ने क्या लगा लिया, ततमा ततमा लगाया मैंने, ततमा नोनू ततमा। ताते ने क्या लगाया, गोगल ले, तू भी लगाएगा क्या ततमा? नोनू लगाएगा ततमा ना, लगा ले, ये गुड बॉय है, ये नहीं लगाता, नो नो गुड बॉय। दीदी तो घर पे है, क्या हुआ? चलो बेतू के इंजेक्शन लगी, टू इंजेक्शन लगी बेतू के, वैक्सीनेशन कितना महंगा भाई, 2 इंजेक्शन 5,000 के लगे, बता 4,700 कुछ थे। क्या हुआ, गिर गया, लुढ़ गया सीट पे पीछे, क्या हुआ मैं तो गाइस हो चुकी थी नोनू की वैक्सीनेशन, और आते टाइम नोनू को यशवी दिखी झूले पे, वो देखी यशवी झूल रही है, तो नोनू को भी उतार दिया वहीं झूले पे, और हम लोग निकल गए घर यहाँ से। अपना साइड तो पीलिया का झाड़ा लगा है, वैसे कर दवाई भी लेनी चाहिए, अरे इनका यश वेर का होते बोलिया दोनों आका, वो सबको ही होगा, सही कह रही है, वो अरमान मलिक का लड़का होया था ना, इसका भी होगा था जॉइंटिस, पर उसका नॉर्मल था, एडमिट नहीं करा, अच्छा वो तो होगा ही। और इसका तो नोनू ने पहने अपनी वॉच, कितने बजे 11:10 हो रही है, घड़ी खराब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हो चुका है 3rd डे, तो जी हाँ 3rd डे। परसों क्या था, मैंने क्लिप ली थी नोनू की वैक्सीनेशन थी, परसों मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि मेरे व्लॉग ऑलरेडी पेंडिंग थे 2-3 दिन के, तो मैं सोच रही थी कि ये डाल देती हूँ, उसके बाद मेरा व्लॉग तो कंटिन्यू हो ही जाएगा। तो कल मेरे साथ क्या हुआ, मोबाइल गिर गया मेरे से पानी में, तो मेरी ही गलती हुई, मैं बाथरूम में गई नहाने के लिए, मैंने टब में मोबाइल रख लिया, मैं सोची कि जो हाथ से कपड़े धुलने के थे उसके ऊपर रख लिया मैंने, तो मैं सोची कि बाथरूम में जाके ना मैं निकाल के ऊपर रख दूँगी, बट मेरे को वो याद नहीं रहा। उसके बाद जाने के बाद, वॉशरूम में अंदर जाने के बाद, मैंने उसमें सर्फ भी डाला, मैंने उसमें पानी भी डाला, पूरा टब पानी से भर लिया, उसके बाद मैं जब कपड़े वॉश कर रही हूँ हाथ से, तब मोबाइल ऊपर आया, तो मेरी तो जान सी निकल गई कि ओ शिट ये क्या हो गया मेरे साथ। तो वहाँ मोबाइल पूरा पानी में भीग चुका था,
मैंने मोबाइल निकाला बाहर, पूरा पानी पानी उसमें, तो मेरा वहीं ऑलरेडी रोना चालू हो गया था धीरे धीरे, क्योंकि मुझे यूँ लग रहा था देखो मोबाइल ख़राब हो जाता तो कोई बात नहीं होती, बट आपको लगता ना कि आपका पूरा काम रुक गया उसके सारे, ना आपकी वीडियोस जा पाएंगी ना आपका ब्लॉग जा पाएगा। ब्लॉग तो मैंने कल का सुबह अपलोड कर दिया था, उसके बाद में फिर बस जो हुआ वो आप लोगों को सबको पता, मैं बता ही रही हूँ। तो वहाँ पर मेरा मोबाइल हो गया ख़राब, तो ऑन तो था ये, मैंने अंजू को बुलाया, अंजू ने क्या किया इसको तुरंत स्विच ऑफ किया और इसको जो राइस का डब्बा होता है ना उसमें दबा के उसने डाल दिया अंदर। तो मैंने जब इसकी आवाज़ सुनी तो इसमें स्पीकर की आवाज़ बहुत धीरे धीरे, अब मैं एकदम शौक में भी थी कि मैं करूँ क्या, है ना, क्योंकि बंदा देखो अगर मोबाइल लेता है वो भी इतना महंगा मोबाइल 60-70 हज़ार का आपका मोबाइल होता है, वो भी उसके बाद आपके साथ ऐसी बन जाए, वो भी एक साथ सडन बन जाती है, तो अब क्या सोचोगे कि क्या मोबाइल लोगे। अभी मेरे दिमाग में पूरा दिन कल मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मैं रोई भी कल तो, क्योंकि मोबाइल ख़राब हुआ तो हुआ, उस चीज़ की कोई वो नहीं थी, बट मुझे ये लग रहा था कि यार मेरा पूरा काम रुक गया उसके सारे, होता है ना कि वही पूरा काम बस, अब मैं क्या करूँगी, और अब मैं नया मोबाइल लूँगी तो मैं क्या लूँगी, कौन सा लूँगी, आपके दिमाग में भी नहीं रहती आपको सड़न कुछ चीज़ लेनी पड़ जाए। तो कल बस मेरा इतना दिमाग ख़राब रहा ना, और कल मम्मी अपने इयरिंग्स भी लेके आई है कल, तो वो मैंने वीडियो लूँगी कहाँ, मम्मी मेरे को बार बार बोली जा रही चुप कराई जा रही कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो मेरा मोबाइल ले ले मेरे से ब्लॉगिंग कर ले, बट मेरे मन में थी ना कि यार पूरा डेटा सब कुछ फोटो वोटोज़ कुछ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बच्चों की मेमरीज रहती है पूरी एकदम क्लियर हो जाएंगी, है ना, पूरी साफ़ हो जाएगी चली जाएंगी, वो मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, जो मेरी वीडियोज़ हैं एक दो दिन का जो मेरा था उसमें वो भी मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा वापस, तो बस पूरा दिन मेरा इसी में ही निकल गया कल। तो कल का तो ब्लॉग हुआ ही नहीं कुछ, और मेरी वीडियोज़ भी नहीं गई, बस मैंने खाली जो सुबह का ब्लॉग था वो अपलोड कर दिया था मैंने, और मेरे दिमाग में एक दो चीज़ें चल रही थी, आकाश को भी नहीं बताया मैंने, पतिदेव को भी, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती अगर मोबाइल ख़राब हो गया तो, ये बोलते कि कोई बात नहीं हो जाता है ठीक, तो मैंने इनको बोला तो बोला कोई बात नहीं नया ले ले, बट मेरे मन में ये होती कि यार मैं सारा कैसे एकदम सेटअप करूँगी मोबाइल, दो दिन बाद तीन दिन बाद निकलना भी है, कौन सा मोबाइल लूँ क्या लूँ मेरे को समझ नहीं आता, मेरा वन प्लस का है तो मेरे को यही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इनको बताया बोले कोई बात नहीं मोबाइल ये ख़राब हो गया तो दूसरा ले ले बट ऐसे मत कर। तो बस कल का दिन पूरा दिन ऐसे ही चला गया मेरा ब्लॉगिंग, कुछ भी नहीं हुई कल तो, बस मैं रोने में ही मेरा पूरा दिन निकल गया, और आज जैसे अंजू ने सुबह ये स्टार्ट किया मोबाइल तो ये लकीली चल भी गया, बस इसके स्पीकर में हल्की सी मेरे को थोड़ी सी लग रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो अच्छा खासा चल गया ये, मैं इसमें गार्ड अच्छा वाला लगवा रखा था, हो सकता है शायद पीछे का जो कवर था शायद उसकी वजह से हो पता नहीं, बट फोन चल गया, फाइनली मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। आज करनी है पैकिंग भी, क्योंकि दो दिन बाद तीन दिन बाद निकलना है, धीरे धीरे बच्चों का देखो बहुत कुछ हो जाता है जो लेके चलना पड़ता है आप लोगों को साथ में, है ना। सो गाइज, जो भी मेरे चैनल पे नए हो, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और आगे आगे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी अच्छी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शादी में, वहाँ की वीडियोस देखने को मिलेंगी आप लोगों को, और आप इंजॉय भी करोगे, आई होप आपको पसंद आएगी क्या आएगी ही पसंद, क्योंकि शादी वादी की वीडियो तो देखो सबको पसंद आती है। तो बस व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है, दो तीन क्लिप मेरी परसों की थी, क्योंकि जो नोनू का वैक्सीनेशन हुआ था वो क्लिप मैं इसमें ऐड करूँगी बाद में, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में। आज तो मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, बट जो आपका लाइफ की जो अहम चीज़ होती है वो अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो फिर बड़ा बुरा लगता है यार, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो बस यही था, और देखते हैं अभी गाइस के लंच में बना है आमे की सब्ज़ी, कच्चे आम की सब्ज़ी, यहाँ पे दाल, और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया था, तो बस चपाती बनेगी, है ना, और घर हो गया एकदम क्लीन। ये देखिए आज मेरे जी में जी आया, मेरा फ़ोन ठीक हो गया, तो पूरा घर एकदम क्लीन हो चुका है, और ये यहाँ पर हम लोगों की जाने की तैयारियाँ, ये बेस मतलब पोशाक जो भी बोल सकते हो आप, तो ये निकाल ली थी, है ना, शादी पहन के। ये येलो वाली वो अलग है जो मैंने डाली थी, ये येलो वाली अलग है जो मैंने गनगौर पे डाली थी, वो अलग ड्रेस है, और ये अलग ड्रेस है ना। तो बस एकदम क्लीन हो गया। सो गाइज, यहाँ बन गया कच्चे आम की सब्ज़ी, किस किस को पसंद है ज़रूर बताना। हम लोग पापा कह रहे चाबी ले लियो, ले लो तेरे पास ही रखना है, इसको संभाल कर मैं फिर बोलूँगा, ठीक है, ओके। सो गाइज, टाइम हो गया है, कितना बज गया अम्मी, ढाई तीन हो गए होंगे, हैं टाइम हो गया ढाई, निकलेंगे अभी मैं मम्मी और अंजू एमजी रोड, थोड़ा सा काम है उसके बाद जाएंगे, मम्मी के कानों के दिखाते हो। मम्मी कल अपने गिफ्ट ले आई थी, पर मेरा कब मन इतना ख़राब था कल, मैं कुछ देख ही नहीं पाई ना, मैंने देखे ये लेके आई है मम्मी एनिवर्सरी गिफ्ट, ऐसे ही चाहिए थे मम्मी का ना, मम्मी टॉप्स तो थे मम्मी को, ये वाले चाहिए थे, क्या रख लूँ। मम्मी लेके आई अपने ईयरिंग्स, कैसे लगे ज़रूर बताना, मम्मी के पास टॉप्स तो थी, मम्मी को ऐसे चाहिए थे, और काफ़ी दिन से मम्मी बोल भी रही थी कि मेरे को चाहिए, बट कल मेरा इतना मन ख़राब था, दुखी था, कुछ भी कह लो, फ़ोन के चक्कर में मैं कुछ देख ही नहीं पाई। तो बस अभी निकलेंगे मैं रंजू मम्मी, बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ घर पर, वैसे तो मेरे को नोनू का भी बहुत कुछ दिलाना था, तो उसको शाम को देखूँगी लेके जाऊँगी, तो अभी मैं बस हम तीनों ही निकलेंगे और फटाफट काम करके आएँगे, पर्स बाहर चल बांट दूँगी,
मतलब मैं जाऊँ तो चॉकलेट चाहिए है। होगी अंजू रेडी, रेड रेड होगी है पूरी। चलो मम्मी चलो, चलो मम्मी ने पहन लिया सूट सलवार है और मैंने पहन लिया प्लाजो। और क्या कल पार्टी है शाम को, टैटू बनवाएंगे वहाँ पे, ये चुके हार तो बनवाऊंगी, टू टू टैटूज ठीक है। तो दादू के पास लेट जा और फोन लगे तो दादू का ले लियो, दादू है यहाँ पे ठीक है। ठीक है बेटा और तंग नहीं करना ठीक है, बाय। अरे वे बच्चा है पिंक प्लाजो कुर्ती। चल ओ चश्मा। यहाँ निकल के हम लोग रेडी होके देखिए लिफ्ट में, मैंने थोड़े से क्लिप ले ली यहाँ पे, मैं खुश भी हूँ काफी। हाँ दो बार। तो गाइस पहुंच चुके हैं, मम्मी और अंजू गई अभी किसी शॉप पे, कुछ पता करना था, अगर वहां होगा तो मैं भी चली जाऊंगी, वरना मैं गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी करनी पड़ती पार्क यहाँ पे, तो हम सब लोग सोचते क्यों पार्क कर लिया, मैं बैठ जाती हूँ, वो लोग पूछेंगे अगर होगा तो फिर मैं भी अंदर चली जाऊंगी। तो मम्मी आई नहीं है शायद, कुछ देखने लगी अभी, कॉल भी नहीं आई उनकी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एमजी रोड, ये देखिए। तो बस अभी वहाँ पे उतरेंगे, कर रही हूँ मम्मी और अंजू का वेट, या तो कॉल आ जाए या फिर कुछ भी। तो बस यही था है ना, और गर्मी इतनी हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। तो मैं ये देखिए धूप बहुत तेज़ हो रखी है भाई है ना। मम्मी कानों के लिए आए, कैसा लग रहा है? बढ़िया, आते पैर लिए मम्मी कल तो मेरा नूह उड़ती दाग दाग सी अंजू, कल मेरे देखने जी रहा, फोन खराब हो गया था। शीशे खोल लो के, नहीं तेज कर तो दिया मैंने एसी, फैन तेज कर दे। चलो टाइम पास कर गया, पार कर चला। कितने हो गए भी, अब कैश ही क्यों लेते हो? इधर पैसे देने हैं मैंने। अगर यश ने देखी मेरी वीडियो में क्या आइसक्रीम खा गए यार, अमी कलेक्शन इतना अच्छा था, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, बट हम लोग ने यहाँ से 5-6 जोड़ियाँ ली हैं। ये देखिए मैं देख रही हूँ ट्राई करके, ब्लैक कलर की वहाँ पे अंजू कर रही है। तो हम लोगों ने काफी चीजें ऐसी थी जो सेम ले ली थी, मेरी मैरून थी और मम्मी की, मेरी ब्लैक जूती भी थी। तो हम लोगों ने काफी शॉपिंग की यहाँ से और कलेक्शन सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। ये देखिए अंजू ट्राई कर रही है यहाँ पे मैरून कलर, ब्लैक कलर, कौन सा लूं। जचेगी मम्मी तो ये पहले कर में बता कौन सा कलर लेना है, आप हमें बता। हाँ वो भी सही है, तार दोनों सेम ही से जाओ, मम्मी का तेरा नंबर उल्लेख साथ में उठा मार दे कारों चल। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सोडाइज में इतनी प्यारी स्लीपर थी, ये तो हम लोगों से रहा नहीं गया। और हम लोग ना इस शॉप पे फर्स्ट टाइम गए थे, बट वहाँ के जो भैया थे इतने स्वीट थे बोलने में काफी, तो मेरे को बोल रहे थे मैडम ले लो वीडियो, तो इतना प्यार से हैंडल किया उन लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा कलेक्शन था इन लोगों के पास में, हम लोग वापस दोबारा जाएंगे। अरे वो 800 की चप्पल आया तो वो भी ले लेते। हाँ तो ले लेते, ऐसा तो फुल मोड़ थी भाई। और इतनी सारी शॉपिंग करके हम लोग निकल लिए। देखिए डिग्गी में मैं सामान रख रही हूँ, मम्मी भी रख रही हैं, तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा यार, क्योंकि शॉपिंग के टाइम हो ही जाता है। सर वैसे सोचती थी कि बाजार बाजार जान के लिए बस खा लेंगे और तो कुछ ना। चलो मम्मी बैठो, कटवा दे। हाँ निकलवा दे, ओह कोई टेंशन नहीं। ए मैंगो 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 लेना मन करता पर अच्छे कौन है, नोनू तो मांग। कितनी ले आई मम्मी प्याज 100 की? 10 किलो। पहली बार मैं आई हूँ ना पूना, मैंने पहली बार सुनी है कि 100 के 10 किलो प्याज। और रोले मचा मचा ले रहा भाई, लेना पड़ा है बेच के जाकर आज। अरे आंटी जी कहेगी कहाँ आंटी, चल ले मेरा सेंसर और आप चल ले, कुछ तो बगल में हां जो दे। अरे वो है आंटी दिख नहीं रही है खड़ी, आंटी खड़ी ये वाले। अच्छा ये दो ले आई खड़े, ये तू दिखा रही थी ये डायमंड के है? ये डायमंड नहीं तो नहीं, इसमें तो छोटे छोटे लग रहे तेरे लिए, वही तो लाई थी मैं। ये सांप का है, नहीं तो क्या है? और ये भी मेरी है ना, ये तो मैंने बहुत ही प्यारी लगी है। ये भी मेरी है। कौन सी? ये वाली। ये तो अंजू ने पहनू बोली ना, तो मैं लियो ही लियो ये वाली। तो सॉक्स क्यों लाई तू? अरे यार हाँ देख मेरी, मेरी ये सेम हो गई है ना, ये मेरी, हाँ ये मेरी मम्मी की सेम होगी पिंक। ये तो मैंने बहुत ही प्यारी लगी, सूट पर किसी में चल जाएगी, कुर्ती पर। ये सिल रही थी ना तो इनकी सिलाई वैसी है, तो ये जाएंगी भी नहीं कहीं। ये दिखा बेटू बुआ वाली। अच्छा ये तो तेरी बहुत ही क्यूट लग रही है,
केत की देख चप्पल, मम्मी आप ये रही तो सेम सी होगी। हाँ आप एक और डायमंड की रिंग लाइयो मेरी, क्या आप एक और मेरी की रिंग लाइयो डायमंड की, ये वाली तो बुआ की। मैं कहीं की साइज नहीं आ रहा है, साइज नहीं आ रहा है, मेरा साइज नहीं है, मम्मी कह रही है मैंने। सो गाइज आगे थे हम लोग घर और टाइम हो गया है 9:10, तो बस मैं व्लॉग का एंड करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। सुबह सुबह मैंने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया है ना, 3 मिनट की शायद उसमें मेरी बोलने की स्पीच ही है जो रिकॉर्ड किया मैंने, बट वो बोलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं अंदर से इतनी भरी बैठी थी ना और मेरे को इतना दुख हो रखा था उस चीज़ का। तो देखो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है, तो इसीलिए मैंने बोला। सीरियसली मैं कल बहुत ज़्यादा ही दुखी थी, मेरे मम्मी के पता इयररिंग्स तक भी नहीं देखे कि कैसे आया कैसे नहीं। सो बस ये था आज का व्लॉग और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। सो गाइस जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सबसे जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी आप लोगों को। सो करती हूँ इस व्लॉग का एंड और मिलती हूँ नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। और हाँ कल बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, मैं बताना भूल गई क्योंकि कल हम लोगों को डिनर पर जाना है, वहाँ पर बच्चों के गेम टैटूज़ वैटूज़ बहुत सारे सब कुछ है खेलने के लिए, तो कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बने रही कल की वीडियो देखना ना भूले, है ना। और परसों तो बस फिर पैकिंग भी करनी है, मेरे को बहुत सारा काम है गाइस। सो बाय बाय टाटा अभी के लिए,